दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारी कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे कि इन दो महीनों में, डेढ़ महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक, बूथ तक हम कैसे जाएं और अपनी पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड को और इन्फ्यूज करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम डेढ़ महीने तक चलेगा और उस कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपने जिलों में जाएंगे, जिले के कार्यक्रमों में, और उसके बाद अक्टूबर में दशहरा के बाद हम लोग पूरे 5 जो प्रमंडल है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आम सभा करेंगे और 5 प्रमंडल में आम सभा करने के बाद नवंबर के महीने में नीतीश कुमार जी का रांची के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, आम सभा का कार्यक्रम करने का हम लोगों का विचार बना है और हम समझते हैं कि नीतीश जी नवंबर में और उसके पहले हम 5 प्रमंडल की बैठक करेंगे, उसके पहले हम प्रखंडों की बैठक कर लेंगे और उसके माध्यम से इस देश में नीतीश जी को बुला करके एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम मानते हैं कि जो एक बड़ी आबादी खास करके कुर्मी महतो समाज की है उसके आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है और उस आरक्षण के हम लोग पक्षधर हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं लोग लंबे समय से आरक्षण की लड़ाई की बात करते आ रहे हैं और माननीय नेता हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इन्होंने लोकसभा में भी इस बात की चर्चा की थी जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि इनका आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। उस पर कैसे माहौल बने, कैसे पॉलिटिकल कंसेंस क्रिएट हो, कैसे राजनीतिक उसमें लोगों की, विभिन्न राजनीतिक दलों की उसमें सहमति बने, इसका भी हम लोग आने वाले समय में इस पर हम लोग प्रयास करेंगे और कैसे हम कंसेंसस बनाए। दूसरी बात है कि जो एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में, क्योंकि बिहार और झारखंड एक राज्य रहा है, बिहार में भी, झारखंड में बिहार के बहुत से लोगों ने यहाँ पर लोगों वासिंदे रहे हैं, तो उनके भी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए पॉलिटिकली, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, उसके लिए भी हमारा पार्टी जो है वो आने वाले समय में उस पर भी हम लोग काम करेंगे और उनकी पॉलिटिकल सहभागिता कैसे हमारी पार्टी में बढ़े, इस प्रदेश की राजनीति में बढ़े, उस पर भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है, इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है, विपक्षी एकता का गठबंधन है, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा। आपका कोई प्रश्न हो तो हमारी दावेदारी हो या हमारे अलायंस पार्टनर की दावेदारी हो, ये इंडिया की दावेदारी है, जनता दल यूनाइटेड, JMM, RJD, कांग्रेस की दावेदारी नहीं है। हम 54 के 54 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को निकालने के लिए। हम जीते, JMM जीते, कांग्रेस जीते, RJD जीते, वो हमारी जीत है। तो यदि कार्यकर्ता आपकी इस बात को मान पाएंगे सर, सब लोग राजनीति में साधु सन्यासी बनने नहीं आता पार्टी आप, का आप हमारे, आप हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर आप रहिएगा तो आप बोलिएगा, पार्टी के हम प्रभारी हैं, हम कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो बड़ी बड़ा जो हमारी एकता है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हम अपने अलायंस के हितों को देखेंगे, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मंत्री जी, क्या इस अलायंस के लिए अगर जदयू को अपने सीटों को भी छोड़ना पड़े, क्या उसके लिए भी वो तैयार है? वो परिस्थिति अभी नहीं आई है ना, ये सवाल उस समय आएगा जब सीटों का बंटवारा होगा। हमने क्या कहा, हमारी मनसा साफ है, हम इस झारखंड में जो हमारा अलायंस है
उस अलायंस के हम पक्षधर हैं और उस अलायंस को ताकत देने के लिए हर कुछ करेंगे। आपने कहा सर कि कोई में शामिल किया जाए, एससी में शामिल किया जाए, इनके इंटरेस्ट को और इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, जो रिजर्वेशन की आरक्षण की इनकी बात है, हम उस बात से सहमत है और हम लोग उस आरक्षण की व्यवस्था को ताकत देना चाहते हैं। कैसे एकोमोडेट होंगे वो सरकार के स्तर पर उनसे बात करके उनका रास्ता निकलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।